अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं शालू चिश्ती और शालू चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल बना थे मूंग की दाल का हलवा, और मेरा मूंग की दाल का हलवा बनाने का बहुत ईजी प्रोसेसर है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं उसकी रेसिपी, फुल रेसिपी दूंगी आपको। और बहुत टेस्टी और यम्मी बना था ये। ये मैंने कल बनाया था मॉर्निंग में, तो मैंने कल कोई शूट नहीं किया था इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई थी। और ये अभी मैं इसको गर्म करूँगी और चाय के साथ लेंगे। और फ्रेंड्स अभी बना रही हूँ मैं लंच के लिए आलू के पराठे। कुछ भी मन नहीं कर रहा, मुझे पेट में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ भी मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का या बनाने का। और एटलीस्ट मेरा ऑफिस जाने का ही मन नहीं कर रहा, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा स्टाफ का इशू हो गया जिसकी वजह से मैं छुट्टी नहीं कर सकती। फ्रेंड यही तो लाइफ है, क्या कर सकते हैं कि जॉब में यही होता है कि हमें चाहे हमारा मन हो ना हो लेकिन हमें जॉब को करना ही करना है। इसलिए बिजनेस जो होता है ना वो बहुत कूल माइंड होता है, उसमें टेंशन सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने की होती है। अदरवाइज कोई इशू है तो हम रिलैक्स कर सकते हैं घर में, पर जॉब में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जॉब में हमें ना हमेशा अप टू रहना पड़ता है, ना ही मैं बच्चों को बाहर का दे रही हूँ क्योंकि बेटे की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा तब भी कुछ ऐसा बाहर का दे रहे थे पर बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं और ज़्यादा घर की ही चीज़ें खिला रही हूँ बच्चों को। और घर में भी मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही कि मैंने कोई फास्ट फूड बनाया, नॉर्मल खाना है। पर फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, उसकी वजह से भी इश्यू हो सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, कौन मेरी तरह पराठे बनाता है? ज़्यादातर मैंने देखा है कि दो रोटी बनाकर तब आलू का पराठा बनाते हैं, बट मैं ऐसे बनाती हूँ, मेरा पराठा बहुत यम्मी बनता है। जैसे मूलचंद के पराठे होते हैं ना उस तरह से बनता है। तो कौन कौन मेरी तरह पराठा बनाता है बताना आप लोग। आलू के पराठे मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। बारिश, मौसम बहुत ज्यादा हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही। रोजी क्या हुआ, तेरे हेयर इतने लंबे लंबे हैं ना कि वो दब जाते हैं। अपने जुल्फों को ना थोड़ा सा ट्रीट वो करवा ले, ट्रिमिंग। फिर तेरी जुल्फों मुझे पता लग जाता है इसलिए मैं हटा लेती थी। चैंप ऐसे पकड़ रखा है, नीचे छोड़ दो भाई, नीचे छोड़ दो चैंप को। ये देखो चैम। फ्रेंड्स आज मैं ये वाला पर्स लेकर जा रही हूँ, वो वाला पर्स नहीं लेकर जा रही क्योंकि वो बहुत बड़ा लग रहा है और आज मेरे पर्स में कुछ भी ऐसा सामान है, लंच वगैरह नहीं लेकर जा रही, तो मैं ये वाला पर्स लेकर जा रही हूँ। और ये पर्स इतना पुराना पर्स है ना कि ये पर्स मेरा पीछे छोड़ो अभी तक कहीं से खराब भी नहीं हुआ। ये देखो सिर्फ इसको अभी गीले कपड़े से साफ कर लूँगी, अभी सारा क्लीन हो जाएगा। और ये पर्स बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब इतना अच्छा पर्स है ना ये, बहुत ही अच्छा। और ये मैंने कितना टाइम पहले खरीदा था ये, मैंने हो गए ना अराउंड 3 साल तो हो गए ना, 3 साल तो हो चुके हैं इस पर्स को, 3 साल हो गए। 3 साल में इसको यूज़ भी काफ़ी किया है, और मैंने नहीं, सपना तुमने भी यूज़ किया ना, सपना ने बहुत यूज़ किया ये पर्स। और इस पर्स में अभी तक कुछ खराबी नहीं, इसलिए कहते हैं अच्छी चीज़ है ना हमेशा है ना, मतलब चलती है बहुत ही अच्छा हमेशा। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी निकल जाती हैं, ये प्योर लेदर में है, बहुत अच्छा पर्स है। और मैं आज अपना बड़ा वाला पर्स नहीं लेकर जा रही,
चैम के साथ सब मस्ती करते हैं, बट चैम है ना किसी के भी साथ मस्ती करना पसंद नहीं करता। ये देखो, ये देखो, अभी कितने डेज का हो गया, ये 19 डेज का हो गया। और 19 डेज में ना ये इतना बदमाश हो गया ना, इतना बदमाश हो गया ना। अरे इसको ऐसे मत खींचो, ओ भाई इसको ऐसे मत पकड़ो, ऐसे करो बस, ऐसे 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 करो इसको, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इसकी बीट शरारतें चालू हो जाएंगी। ओए ये ना ऐसे बिल्कुल नहीं रुकता, ऐसे बिल्कुल नहीं रुकता। ये देखो अब ये 19 डेज़ का है, ये देखो अरबाज भाई ने इसको ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो अरबाज भाई का कहना ही नहीं मान रहा, वो उसको बेचैनी हो रही बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अभी मैंने देखा कि मेरे हेयर बहुत कम हो गए यहाँ पर, तो करते हैं इसका ट्रीटमेंट ताकि यहाँ पर हेयर आ जाएं। और बस नमाज पढ़ के खाना खाया है, और इसके साथ ही मेरा, मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके पास, आपके साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।